आकर उन्होंने डेट वाइज, लोकेशन वाइज, होटल वाइज सारी चीज बता दी है, कैसे कैसे अमाउंट गया था, किन किन को हमें देने के लिए कहा था, ये सारी बातें सामने आ चुकी है। पंजाब में भी ऐसा ये प्लानिंग थी? सेम पॉलिसी पंजाब में लागू हो चुकी है। ये सेम पॉलिसी जो दिल्ली में इन्होंने बंद करी है, अब इन्होंने पंजाब में लागू कर दी है, और वहां पर L1 का कमीशन इन्होंने रखा है 10%, जो कि पहले 0 था, अब इन्होंने उसको 10% कर दिया, और वहां पे इनका टारगेट है कि हम उसके रेवेन्यू को 12,000 करोड़ लेके जाएंगे। अब 12,000 करोड़ का 10% देख लीजिए क्या है, पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, यही चीजें मिलेंगी। राघव जी, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम चला के पार्टी बनाई, और आज एक सबसे बड़ा चोट उसी पे हुआ है जो आप लोगों का इमेज है राजनीतिक रूप से, इस इमेज पे चोट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया शराब नीति के भ्रष्टाचार में पाए गए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आप ऊपर में, और यहाँ तक कि विजिलेंस इंक्वायरी में भी ये साबित हुआ है उस नीति में गलत हुआ था, 11 अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई की। देखिए, इन लोगों का मकसद यही है जो आपने पूछा, इन लोगों का मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करने के लिए यह साबित करो कि केजरीवाल भी हमारे जैसे, हम तो भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जैसे, यही भाजपा वाले साबित करना चाहते हैं, वो इसी पे चोट मारना चाहते हैं जिस चीज की आपने बात करी। लेकिन इस देश का आम आदमी बहुत समझदार है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 135 करोड़ भारतीयों के हृदय में अपने लिए जगह बनाई है, उनके दिल में बस। दोनों में जो रिपोर्टर है, एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है, वही 6 पिक्चर खालिस टाइम्स में। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे, उसको तो एड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है, तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। मगर दो अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। रिपोर्टर भी करणदीप सिंह नाम का एक रिपोर्टर है, दोनों अखबार का सेम रिपोर्टर है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि खलीज टाइम्स का जो फंडर है वही न्यूयॉर्क टाइम्स का फंडर है, कहीं आज का विषय नहीं बता रहे, ये बात सच है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो फंडिंग है वो कतर से हो रहा है। देखिए, अब ये तो आप उसकी जांच करिए, और मैं सारी बात नहीं बोलूंगा तो बोलेंगे क्योंकि विरोधी पार्टी है तो बोल रहे हैं, हमने तो आपको बता दिया। अरविंद केजरीवाल हमेशा आता है कि आज अरविंद केजरीवाल की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सामने 50 पत्रकार बैठे हुए हैं, 50 चैनल बैठे हुए हैं, और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अरविंद केजरीवाल तो सामने एक माइक रखकर बैठ जाता है और ऐसे ऐसे देखता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर अपना पर्चा उठाता है, खड़ा होता है और निकल जाता है, उसके बाद में कैमरा बंद हो जाता है, वो खुद ही बोलते रहते हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किया, मैंने हेल्थ में बड़ा अच्छा काम किया, मेरी वो भी तारीफ कर रहा है। ऐसे होता है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने कभी नहीं देखी। आपको क्यों नहीं बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कल मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, फटाफट से भाग गए। ऐसा नहीं होता। आप मेरे से 100 सवाल पूछिए, मैं आपको 100 सवालों का जवाब दूंगा। अगर मेरे पास में जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं एक माइक रखूंगा, वीडियो बनाऊंगा और भेज दूंगा, आपको चलाना चलाइए, नहीं चलाइए। थैंक यू। जो आपने पिक्चर का ट्रेलर दिखाया, मेरा आपसे सवाल ये है कि उसके पात्र जो मुख्य पात्र है वो तो शिकंजे में आना शुरू हो गए, लेकिन इसकी जो पटकथा लिखने वाले हैं, इसके निर्देशक हैं, क्योंकि वो अगर चीफ मिनिस्टर है तो विदाउट पोर्टफोलियो है, क्या उसकी जो है उसका क्लाइमेक्स उसके बारे में बताएंगे? दूसरी बात यह है कि आज CBI का छापा पड़ा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और कृष्ण और कंस का जो संबंध है वो कारागार से बहुत ज्यादा है,
बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये हम सबको पता है। आम आदमी पार्टी में जिस आदमी ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी है उसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ये भी हम सबको पता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही सीबीआई का इन्फॉर्मर हो, वही सारी जानकारी सीबीआई को दे रहा हो कि वो मनीष सिसोदिया और जो ये सत्येंद्र जैन हैं इनकी लोकप्रियता से इतना घबरा गया हो कि वो चाहता हो कि दोनों को जेल में भेजें, ये भी हो सकता है। और नहीं तो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन बिना अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर तो छोड़िए टॉयलेट भी नहीं जा सकते, ये आप सब भी जानते हैं, सारी आम आदमी पार्टी जानती है। तो अगर जो है सत्येंद्र जैन जेल में है 3 महीने से, मनीष सिसोदिया के ऊपर में इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बच पाएगा? अरविंद केजरीवाल के पास आज एक भी विभाग नहीं है, अगर वित्त विभाग फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री अरविंद केजरीवाल के पास होती तो आज अरविंद केजरीवाल जेल जाता। तो सत्येंद्र जैन बड़ा खुश था जब वो हेल्थ मिनिस्टर बना, उसको लगा मेरे को विभाग दे दिया, उसको पता नहीं विभाग नहीं दिया जेल दे दिए। ऐसे ही ये मनीष सिसोदिया बड़ा खुश था कि मेरे को डिप्टी सीएम बना दिया, उसको ये नहीं पता कि सारे हस्ताक्षर उसी के होंगे, सारी फाइलों पर साइन मनीष सिसोदिया के होंगे, तो जेल कौन जाएगा जिसके साइन होंगे? तो अरविंद केजरीवाल इतना मास्टरमाइंड आदमी है कि वो कहीं साइन नहीं करता है क्योंकि कोई विभाग उसके पास नहीं है। तो जहां भ्रष्टाचार होगा पैसा अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा, मगर जेल उसका मंत्री जाएगा, ताकि मैं मंत्रियों को निकाल कर कहूंगा देखिए मैं ईमानदार। धन्यवाद। इन्होंने पॉलिसी में ये चेंज किया, ये जो नई पॉलिसी लेके आए लिकर पॉलिसी, उसमें इन्होंने ये कहा कि जो L1 का कमीशन है वो 2% से 12% हमने फिक्स कर दिया है। तो वो पॉलिसी जैसे ही आई, जैसे ही इन्होंने जोन बांटे, वो 2% से 12% हो गए।